सो दोस्तों आज फिर हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज हम सीखेंगे क्लच प्लेट चेंज करना एपी पाजियो का। तो सबसे पहले तो क्लच कटोरा ले ले और उसमें इस तरीके से जो वाटी आती है अंदर वो रख ले। फिर जो हमारे स्पेयरिंग आती है इस तरीके से अच्छे से अंदर रख ले। फिर इसके बाद ऊपर इसका जो प्लेट है वो रख ले। अब ये प्लेट रखने के बाद इस गियर को अंदर लगा ले। फिर एक नट बोल्ट जैसा चार पाँच इंच का बोल्ट ले ले। इस तरीके जैसे साइकिल का एक्सल आता है ये भी चलता है भाई इसमें, तो इस तरीके से नट बोल्ट लगा ले भाई। ये कसने इसको एकदम अच्छे तरीके से टाइट कर ले पाने से। अब इसको थोड़ा टाइट करने के बाद स्पेयरिंग चेक कर ले कि भाई ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अंदर जो स्पेयरिंग थोड़ी आड़ी टेढ़ी बैठ जाती है उसको सही कर लेना कुछ भी किसी पेचकस के मदद से। तो भाई इस तरीके से इसको थोड़ा अंदर देख ले कि भाई स्पेयरिंग बराबर बैठा है या नहीं, है ना। इस तरीके से सही कर ले। तो भाई ये हमारे स्पेयरिंग बराबर सही है हो गए हैं। अभी ये नट को अच्छे से टाइट कर दे। तो भाई फिर से एक बार और चेक कर ले स्पेयरिंग आड़ी टेढ़ी हुई तो नहीं। तो भाई ये स्पेयरिंग हमारी बिल्कुल सही है और अपने अपने जगह पे बिछी हुई है, तो इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे। भाई ये अभी पूरी तरीके से टाइट हो गया है पूरा। अब इसके बाद जो क्लच प्लेट का रखने का सिस्टम, तो भाई इसमें कुछ भी ऐसा सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं आता है भाई। ये जो हमारे BS2 BS3 जो भी मॉडल ओल्ड मॉडल के हैं वो इस तरीके से बिठा देना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है भाई, उल्टी हो गई सीधी हो गई कुछ भी ऐसा नहीं होता है भाई। बिना डरे इस पर क्लच प्लेट रखते जाए, पहले क्लच प्लेट फिर प्रेशर प्लेट, पहले और क्लच प्लेट फिर प्रेशर प्लेट, इस तरीके से नंबर बाय नंबर इनको रखते जाइएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि भाई उल्टी हो जाएगी तो ये चलेगी नहीं, ये काम नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। बिना डरे बिना हिचकिचाए इसको खोल देना। और भाई चैनल अपना नया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो भाई, वीडियो देखने के चक्कर में भूल जाओगे, और साथ में एक लाइक कर दो। तो दोस्तों इस तरीके से क्लच प्लेट पर रखते जाएँ। और भाई इसे खोलने के लिए जैसे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आसान तरीके से इसको आप घर पे फिट कर सकते हो। और जैसे खोलने का प्रोसेस तो आपको मालूम ही होगा भाई, जो हमारा क्लच कटोरा होता है उसका जो चार नट रहते हैं उसको निकाल के इसको बाहर कर लेते 13 नंबर के नट से। तो भाई इसका भी वीडियो हम बना देंगे, इसको कैसा खोलना है क्या करना है। तो भाई पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको खोलना आता है तो भाई इस तरीके से क्लच प्लेट को बिठा लेना, क्योंकि भाई ये इतना आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इस तरीके से कोई और भी समझाया हो या नहीं ये मेरे को तो नहीं पता। मेरे को नहीं लगता कि इस तरीके से कोई समझाएगा, है ना। तो भाई इस तरीके से क्लच प्लेट बिठा ले, और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि भाई ये क्लच प्लेट काम करेगी पक्का, इस तरीके से अगर आप क्लच प्लेट बिठाते हो तो। नहीं तो भाई बहुत से वीडियो बनाने वाले तो क्या है भाई, ऐसा मत करना ऐसा हो जाएगा, वैसा मत करना वैसा हो जाएगा, तो ऐसे कुछ आपको डरा देते हैं। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र उसको खोल दे और इस तरीके से क्लच प्लेट को बिठा ले। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो भाई जाते जाते फिर एक बार कहेंगे कि एक सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हम
जो भी वीडियो डाले आपको मिलते रहेंगे। और इससे ये ऑटो लाइन के बारे में सभी वीडियो आपको मिलेंगे। इसके बाद जो है मोटरसाइकिल के बारे में वीडियो मिलेंगे, सभी मतलब गैरेज के बारे में ही आपको नॉलेज मिलेगा। तो